नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादनम, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम आपके लिए बहु बहुत बुरी समास का प्रयोग कराते, बहुव्रीही समास का प्रयोग कर। बहुव्रीही, इसका अर्थ है कि अन्न पदार्थ प्रधानो बहुव्रीही, अर्थात जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। जिस समास में जिसने वह, जिसको वह, जिसका वह, जिसके द्वारा वह, जिसका वह, जिससे वह, ऐसे सब जिसके लिए वह, जिसमें वह, अगर ऐसे शब्द निकलते हों तो वहाँ बहुत बुरी समास होता है, अर्थात बहुव्रीही समास होता है। आइए मित्रों, ये जो समास है बहुव्रीही, समास का नाम है बहुव्रीही समास। नंबर चार, सॉरी पांचवा है सारे, ये नंबर पांच, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, ये इसका लक्षण ही दिया है, लक्षणम अन्य पद प्रधानो बहुव्रीही, पद या पदार्थ, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीही, अर्थात जिस समास में अन्य पद की, किसकी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुव्रीही समास कहते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समास में संख्या के द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं, किसी समास में हम विशेषण के द्वारा उसकी पहचान करते हैं, लेकिन इसमें जो पद बनता है, इसमें बहुव्रीही समास में जो समस्त पद बनता है उस पद का अर्थ कोई दूसरा निकलता है। जब किसी पद का अर्थ दूसरा अर्थ निकलता है तो वहां बहुव्रीही समास होता है। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि वे कर्मधारय समास जैसे लगते। मित्रों, ये जो बहुव्रीही समास है ये भी कर्मधारय का ही एक रूप समझो। इसमें भी विभक्ति समान होती है, इसमें भी विभक्ति समान होती है, समान विभक्ति के द्वारा भी इसे जाना जा, लेकिन अंतर इतना है कि जो कर्मधारय समास होता है इसके में एक नियम है विशेषण विशेष वाला, लेकिन इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो हम यत शब्द के रूप लगाते हैं। ये जो अपन को विग्रह जो करना है विग्रह में यत शब्द के रूप लगा, यत शब्द के रूप, ये यौ, ये या, ये यहा, यत ये या,
सर्वनाम है ये, सर्वनाम के रूप राम रमा और फल की तरह लगाए जाते हैं। जिस प्रकार राम के रूप बनते हैं पांच स्थानों पर परिवर्तन किया जाता है, ये परिवर्तन मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ आपके लिए। जैसे ये यशमयी, यशमा, देखिए ये यो, ये याम, यो यान, येन याभ्याम, यई यस्मै, यानी ये है चतुर्थी विभक्ति, यस्मात् ये है पंचमी विभक्ति, षष्ठी यस्य, ये है यस्य यस्मिन्। इन स्थानों पर परिवर्तन किया जाता है, बाकी राम के जो रूप बनते हैं उनमें ये जोड़ो और राम को हटाओ, रूप आपके लिए बन जाए। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी पांच स्थानों पर परिवर्तन होता है। ये पांचों स्थान जो है वो भी मैं लिखता हूं, यस्य, 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 यस्य। नपुंसक लिंग पुल्लिंग की तरह होता है। ये इन यत् शब्दों का प्रयोग आपको करना है। अंत में यदि पुल्लिंग हो, यदि पुल्लिंग हो तो से लगा दें, यदि स्त्रीलिंग हो तो सा लगा दें, और यदि नपुंसक लिंग हो तो तत् का प्रयोग करें। समास विग्रह करने के बाद यत् शब्द के रूप आपको लगाने हैं। जो विभक्ति लगी हो उत्तर पद में, जो विभक्ति लगी होती है उसी विभक्ति के अनुसार, उसी लिंग के अनुसार यत् शब्द के रूप लगाने हैं, और अंत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसके आधार पर से, सा और तत् का प्रयोग करना। इस प्रकार से हम उसका समास विग्रह कर देते। परिभाषा मैंने आपके लिए दे दी है, जिसमें अन्य दूसरा कोई अर्थ निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसने जिसको, जिसके लिए ऐसे शब्द भी अर्थ में निकलते हैं तो भी वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। ये जो बहुव्रीहि समास होता है दो प्रकार का होता है, समान विभक्ति वाला और असमान विभक्ति वाला। विग्रह से युक्त पद जब हम बनाते हैं तो उत्तर पद में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ये मैंने पिछले समासों में भी आपसे कहा है, उत्तर पद में यदि नियम नहीं हो तो आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। दो प्रकार का होता है, समान विभक्ति वाला और असमान विभक्ति वाला। किसी उदाहरण में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, किन्हीं उदाहरणों में दोनों पदों में असमान विभक्ति होती है। पहले पद की विभक्ति को हटा देते हैं और पहले ही पद में विभक्ति लगा देते हैं, यही समास का मुख्य नियम है। उत्तर पद में यदि नियम कहता है तो उसमें हम विभक्ति में परिवर्तन करते हैं या लिंग में परिवर्तन करते हैं, अन्यथा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये दो
प्रकार का होता है। नंबर मैं लिख भी देता हूं, प्रकार समानाधिकरण, समान विभक्ति वाला, और दूसरा होता है व्यधिकरण, यानी जिसके दोनों पदों में असमान विभक्ति होती है तो वह व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे अब मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ, ये समान जो अधिकरण है इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसमें पहला पद विशेषण व उत्तर पद विशेष होता है। अब देखिए मैंने पहले कहा है इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, तो किस कैसा समास लगता है, कर्मधारय समास, लेकिन इसमें जो अर्थ है वो अर्थ भिन्न निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे कहते हैं कि कहते हैं कुछ और करते हैं कोई, यानी उसका भाव यदि दूसरा निकलता है तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखिए यथा पीतांबर, पीत माने पीला और अंबर माने वस्त्र, पीले वस्त्र, मैंने कर्मधारय समास में इसका उदाहरण दिया है, पीतांबरम यदि दिया हूं तो वह कर्मधारय समास होता है, और पीतांबर है यदि दिया हो तो वह बहुव्रीहि समास होता है। पीतांबर पीला वस्त्र है, अब पीछे क्या निकलेगा, जिसका पीला वस्त्र है जिसका, अब जिसका कौन से कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का, संबंध कारक कौन से नंबर पर आता है, छठवें नंबर पर, विभक्ति कौन सी लगाई जाती है, षष्ठ, तो यत के रूप लगाने हैं विभक्ति षष्ठी, अब लिंग देखनी है कि ये लिंग कौन सी है, पुरलिंग, इसलिए क्या रूप बनेगा, यस, क्या रूप बनेगा, यस, पुरलिंग है या स्त्रीलिंग, पुरलिंग, तो से सात तत् इनमें से किसका प्रयोग करेंगे, से, तो इसका समास विग्रह हुआ पीतम, पीतम अंबरम, पीला है वस्त्र जिसका, यस्य से कौन कष्ट, पीला है वस्त्र जिसका पीतांबर, पुरलिंग हुआ। अब आगे देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमा की तरह मुख वाली, चंद्रमुखी बहुव्रीहि समास, चंद्र मुखम कर्मधारय समास, ये अंतर है दोनों, ये जो उदाहरण है विशेषकर आपको ध्यान रखने हैं। एक मैं यहां और भी देता हूं, ये है दुष्ट हृदय, ये तीनों ही उदाहरण बहुव्रीहि समास, पीतांबरम कर्मधारय समास, चंद्रमुखी बहुव्रीहि समास, चंद्रमुखाम कर्मधारय समास, दुष्ट हृदय बहुव्रीहि समास, चंद्रमा की तरह मुख क्या लगेगा, जिसका, और चंद्रमा से तुलना किसकी की जाती है, स्त्रीलिंग, इसलिए क्या आएगा, यस्य, इनमें से सा, इनमें से क्या आएगा, सा, देखिए चंद्र एव मुखम, चंद्र इव मुखम यस्याह सा, चंद्रमा की तरह मुख है जिसका वह, क्या कहते हैं, चंद्र, दुष्ट है हृदय
यस्सा, बुरा है हृदय जिसका वह राक्षस, जिसका हृदय बुरा होता है उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा। महात्मा, महात्मा महान है क्योंकि आत्मा जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए याद रखिए महा दिया हो तो महान महती महत में बदलते, पुल्लिंग है इसलिए महान में बदल दिया। महान चासव आत्मा जिसकी यस्से से। इस प्रकार से हम इस समास का समास विग्रह कर सकते हैं। अर्थ करते समय जिसका, जिसको, जिसने, जिस विभक्ति का आभास तुम्हें होता है उसी विभक्ति में यत शब्द के रूप लगाइए, उसके बाद पुरलिंग हो तो सह का प्रयोग कीजिए, स्त्रीलिंग हो तो सा का प्रयोग कीजिए और नपुंसक लिंग हो तो तत् का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से हम इस समास का समास विग्रह कर सकते। आगे और भी देखिए, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसका लंबा उदर होता है, उदर मान होता है पेट, मैं से नहीं हटा रहा हूं, आप इस चीज की तरफ नजर रखें, जिसका उदर पेट जिसका लंबा होता है उसे लंबोदर कहते हैं। जैसे और भी देखिए, दशा, दस है आनन जिसके, जिसके दस मुख है, दस देखिए मित्रों, मैं तो पहले से भी कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार इसका जो नाम था उसका नाम था मुख, उसके बाद समय परिवर्तन होता गया, मुख मुँह, उसके बाद समय परिवर्तन होता गया मुखारविन, बफर सिस्टम का प्रयोग बढ़ा, मोहड़ो, उसके बाद हुआ थूतरा, इस प्रकार से इसके पर्याय शब्दों का प्रचलन चलता हुआ चलता है। आइए और भी उदाहरण जैसे लेते हैं, दशा, दशा नन है लंबो दर, दस है आन नानी आजा नानी, आन नानी, दस है मुख्य जिसकी वह कौन था राव, दस है मुख जिसके कौन है राव, कौन है राव, नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, अर्थ ही ज्ञात होना चाहिए। लंबोदर है, लंबा है उदर, लंबम उदरम उदर है, इसमें वक्ति लगी हुई है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर यानी पेट जिसका, जिसका पेट लंबा होता है उसे क्या कहते हैं, गणेश जी महाराज, गणेश, लंबा है उदर जिसका। इस प्रकार से और भी यदि उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है, कोई सा भी उदाहरण आप ले लीजिए, जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, जितानी ज,
चेतानी इंद्राणी जीत ली है इंद्रिया जिसने, कौन से कारक का चिन्ह है, करण कारक, जिसने येन से, जिस कारक का चिन्ह निकलता है उसी कारक में यत शब्द के शब्दों का प्रयोग करते, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चतुरानन चतुरानन चार है आनंद, चतुरानन जिसके चार मुख होते हैं उसे हम चतुरानन कहते हैं। चतुरी आननानी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, आन ना यस, जिसका शब्द हुआ है यस से, जिसके चार मुख हैं उसे चतुरानन कहते हैं। और चतुरानन जो है चार मुख जिसके हैं उसका नाम है ब्रह्मा। उसका क्या नाम है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के चार मुखार है, मुखारबंध है अर्थात मुख है, इसीलिए ब्रह्मा जी को चतुरानन भी कहते हैं। जैसे और भी आप देखिए, देखते जाइए, वीर पुरुष है, वीर पुरुष है जिसमें, वीर पुरुष कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। वीर योद्धा, वीर पुरुष जो रहते हैं वो गांवों में रहते हैं, इसीलिए इन्हें वीर कहा जाता है। वीर है, पुरुष है, यस्मिन से, ग्राम, वीर पुरुष जिसमें वह है, जिसमें वीर पुरुष रहता है उसे कहते हैं गांव। क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। प्राप्तोदकम, प्राप्तोद, प्राप्तोदकम, प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम, यानी जिसने पेट भर लिया है, जिसने पेट भर लिया है, प्राप्तम उदकम यम से, अर्थात जिस कारक का चिन्ह निकलता है उसमें उसी कारक की विभक्ति लगाते हुए चलते हैं और समास विग्रह कर देते हैं। और भी आप देखिए, जैसे आप जानते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नील है कंठ है जिसका, यस से, कौन से, नीला है कंठ जिसका उसे कहते हैं से। और जैसे और भी यदि आपको उदाहरणों की आवश्यकता है तो हम और भी देते हैं। जैसे एक उदाहरण है दत्त भोजनम, दत्त भोजनम, दत्तम भोजनम, इसी से अर्थ का अंदाजा लगाना, दत्तम दिया, भोजनम भोजन खाना, अब क्या आना चाहिए, जिसको, जिसके लिए, और जब दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, दत्तम भोजनम यस्मै से। इस प्रकार से ये जो समास है बहुव्रीहि समास, ये जो समास है, इस प्रकार से आपको ये समास समझना है।
इसमें एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि अंत में यत शब्द के रूप अर्थ के आधार पर लगाए जाते हैं। जो विभक्ति अर्थ प्रकट करती है उसी विभक्ति के अनुसार यत के रूप लगाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उसके बाद में लिंग के आधार पर से, सा और तत् इनका प्रयोग करना है। इस प्रकार से इस समास के समास विग्रह हम बड़े ही सरल और सटीक तरीके से कर सकते हैं। मित्रों, मैं अब यहाँ आपके लिए कुछ और भी उदाहरण दे रहा हूँ जिनके समास विग्रह आपको करने हैं। यदि नहीं होता है, यदि उसका विग्रह आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम आपके लिए उसका समास विग्रह अवश्य करें। जैसे देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे चित्र हो, जैसे उदाहरण है चित्र गो, क्या है चित्र गो, रूपवत चित्र गो, रूपवती चित्र गो, रूपवती, मैं यहां दे रहा हूं चतुर भुज, चित्रगुण चतुर्भुज रूपवती और महाकाल, महाकाल चित्रगुण रूपवती महाकाल, और भी यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं और भी दूं, प्राप्त कुल्या, प्राप्त कुल्यम, ये अगला उदाहरण है। अर्पित भक्ति, अर्पित भक्ति, ये भी इसी का उदाहरण है। और भी बसी कृत चित है, वसी कृत चित है, इसका भी आपको समास विग्रह करना है। और भी जैसे दिगंबर, इस प्रकार से इन उदाहरणों के आपको विग्रह करने हैं। यदि इनमें कहीं आपको अर्थ करने में, विभक्ति लगाने में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें सूचित करें, हम आपके प्रश्नों का जो उत्तर है, विग्रह जो है, उस विग्रह को फिर से आपके लिए अवश्य देंगे। इसी के साथ ये बहुव्रीहि जो समास है ये आज समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।